मेरे सभी भाई बहनों को मेरा राम राम और नमस्ते। आज मैं बहुत सुंदर हेल्दी और टेस्टी चटपटा लेकर आई हूँ नाश्ता। इसे हम नाश्ते में भी खा सकते हैं, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, कैसे भी हम ले लें, पेट भर के हम इसे खा सकते हैं और ये हेल्दी भी होता है। इसके लिए मैंने एक कटोरी सूजी दही लिया है, दही को मैंने घोट के तैयार कर लिया है। अब इसमें ये एक कटोरी सूजी डाल देती हूँ। आपके पास सूजी मोटी हो पतली हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम इसमें डाल देते हैं। इसमें मैंने 2 चम्मच बेसन डाला है और इसको मैं 10 मिनट तक इसको रखूंगी। अब इसमें ये अच्छा से मैं घोट लेती हूँ। थोड़ा नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार, थोड़ी मिर्ची, लाल मिर्ची, हमें इसमें थोड़ा नमक पानी डाल के तैयार कर लेती हूँ। 10 मिनट के लिए इस घोल को जितने सूजी को जितना जरूरी होगा उसी हिसाब से ये तैयार हो जाएगा घोल। अब मैंने जो आलू उबाल के रखे हैं, चूर के रखे हैं मसल के, सबसे पहले तो मैं तेल डाल देती हूँ इसमें। इसको हम थोड़ा अकड़ा कर लेते हैं। थोड़ा तेल गर्म हो जाता है फिर हम जीरा डालेंगे। गर्म हो गया है अब इसमें जीरा डाल देती हूँ। 1 चम्मच जीरा डाला, हमें थोड़ी हरी मिर्ची काट के रखी है, अदरक भी घिस के रखा है मैंने और ये 5 पत्ती करी पत्ती, जिसे कोई करी पत्ती भी बोला जाता है इसको। ये हम थोड़ा इसको थोड़ी सी मैं हल्दी डाल देती हूँ इसमें कलर के लिए, थोड़ी लाल मिर्ची भी, मसाला हमारा गर्म हो गया। अब मैं ये आलू जो मैंने उबाल के चूर के रखे थे मसल के एकदम, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको हमें थोड़ा गर्म कर देंगे अच्छे से। इसको हम 5 मिनट के लिए गर्म करेंगे। इसी तरह से हमारा सिक्का तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा नमक डालूंगी, मैंने नमक डाला नहीं था पहले, अब नमक डाल देते। नमक हम अपना स्वाद अनुसार ले सकते हैं। ये सादा नमक डाला है तो ये मैं थोड़ा काला नमक डालूंगी और थोड़ा चाट मसाला, ये मैं एक भर के चम्मच है चाट मसाला। अब हम इसको मिला लेते हैं सारे मसाले इसमें आलू में। इस तरह से हो गया मोटा, थोड़ा सा पानी लगेगा इसमें बस, ज्यादा नहीं, जरा सा ही। इसी तरह से हमें चाहिए इसका। चीला जैसे बना लेते हैं छोटे साइज में या बड़े साइज में अपनी इच्छा के अनुसार। तैयार हो गया हमारा घोल, हम 1 चम्मच इसमें घोल डाल देते हैं। फैला के थोड़ा पतला कर देते हैं। हमारा एक तरफ से सूख गया है, अब मैं इसको उलट देती हूँ। इसी तरह से हमारा आकड़ा करा दूसरी तरफ से भी हम सेक लेते हैं। तरह से हमें सेक लेना है। तैयार हो गया हमारा। अब मैं इसमें ये आलू भरूंगी। हम आलू चिल्ला की चाट बना रहे हैं तो इसमें हम आलू भरेंगे अच्छे से। अब मैं इसको मोड़ देती हूँ।
ये हो गया तैयार। अब मैंने इसमें आलू ये हमारा तैयार हो गया है, इसको मैं पहले दही डाल देती हूँ अच्छे से। दही में मैंने कुछ भी मसाला नहीं डाला है। अगर आपको, ये तो मेरा ताज़ा दही है, अगर आपको खट्टा दही हो तो आप उसमें थोड़ी चीनी डाल सकते हो। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा जीरा, थोड़ी लाल मिर्ची। अब मैं इसमें थोड़ा काला नमक डाल देती हूँ और सादा नमक भी। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ी धनिया पुदीना की चटनी। और ये इमली की चटनी, इमली की चटनी हम बराबर बनाते ही हैं हर चीज में, मेरे बना के रखी हुई है इमली की चटनी। ये चटपटा था, हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं भुजिया। देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है ये, और खाने में तो है ही अच्छा लाजवाब। ये लाल लाल अनार के दाने, छोटे बड़े बच्चे सभी इसको खा के बहुत खुश होंगे। अब देखते हैं, अच्छा लगता है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। इसे आप जरूर से बनाएं और खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और मेहमान लोगों को भी खिलाएं। पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा, इतना अच्छा ये लाजवाब बनाना जरूर से आप इसे। अगर मेरे नए भाई बहन हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार दें। धन्यवाद।